लेकिन वही पांक बात है कि वो जब तक मोदी वहां पर हैं उस हाँ वक्त तक तो पांक पाकिस्तान और इंडिया की किसी किस्म की क्रिकेट की टाइज क्रिकेट हो ही का नहीं तो बिल्कुल ही सकती। नहीं हो सकता। नहीं बेटा नहीं, ये बहाना नहीं चलेगी, ये तो सरासर पाकिस्तानियों के साथ नाइंसाफी होगी। बिल्कुल नहीं बेटा, कि जब तक मोदी है तब तक नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है बेटा। कभी तुम चूतियों में ही है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों IPL वर्सेस PSL, PSL यानी पाकिस्तानी सुपर लीग, और IPL मतलब बताने की ज़रूरत तो है नहीं, किसी को फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस इवेंट की पूरी दुनिया दीवानी है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले मैं IPL वर्सेस PSL को कंपेयर किया था। वैसे मैं जानता हूँ कंपेयर करना नहीं बनता, लेकिन फिर भी इन लोगों की संतुष्टि के लिए मैं कंपेयर थोड़ा सा किया था। तो कुछ अबोध बालक लोगों का कहना था कि आपने IPL की तारीफ की और PSL की बेइज्जती की, उसको आपने नीचा दिखाने की कोशिश की। मुझे भी लगा शायद हो सकता है, क्योंकि मैं इंडिया का हूँ तो IPL को सपोर्ट करूँगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरा छोड़ दो, क्योंकि मेरे देश का इवेंट है, मेरे देश का IPL है, तो चलो हो सकता मैं उसकी तारीफ करूँ, बनता है। लेकिन बेटा दमदार अच्छी और असली चीज़ की तारीफ दुनिया करती है, और साथ में तुम लोगों को भी करनी पड़ती है। नहीं विश्वास, अगर नहीं विश्वास तो होगा, कुछ अबोध बालक को नहीं होगा लेकिन विश्वास तो होगा। वैसे अबोध बालक हमारे इंडिया में भी भरे पड़े हैं जो सपोर्ट करने लगते हैं किसी और चीज़ का, बाकी आप लोग समझते हैं। लेकिन अगर नहीं विश्वास है तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंडिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं और IPL के बारे में क्या सोचते हैं। कि इस मुल्क में 8 सालों में टीमें नहीं आई, हमारे साथ खेलने को तैयार नहीं, पैसे देते नहीं, बड़ी सीरीज हमारे साथ को खेलता है। सुना तुम लोगों ने, ये तुम्हारे देश के फास्ट बॉलर हैं जो पाकिस्तानी टीम से खेल चुके हैं अच्छे खासे, इनका नाम भी है, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई टीम नहीं आती, तुम लोग पैसे नहीं दे पाते हो। हमने नहीं बोला, ये शोएब अख्तर बोल रहा, ये तो क्रिकेट के लहजे में वैसे बोल रहा है, लेकिन और क्या क्या कारण है ना आने का टीमें तो सब लोगों को पता है। अरे कम बब फेंक दो, तुम लोगों का क्या भरोसा। दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL है, जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तानी, जो क्रिकेटर्स जब से ये IPL में जाना है नहीं जा सकते, तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर उसमें बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन, जहाँ जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा वो देते हैं। सुना बेटा तुम लोग, ये तुम्हारे ही देश में तुम्हारे ही टीवी चैनल पे चल रहा है, जो सही है वो बातें सही है उसको हर कोई कह देता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है IPL, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जाना चाहते हैं इस लीग में, ये भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनके अंदर महरूमियत है क्या, मैं समझा नहीं, लेकिन वो लोग जाना चाहते हैं और दुनिया के सभी खिलाड़ी IPL में खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है वहाँ सबसे अच्छे से अच्छे खिलाड़ी आते हैं, अच्छे से अच्छे ट्रेनर कोच सब कुछ होते हैं। और दूसरी बात पैसे की, इसने भी बोला पैसे के बारे में कि बेटा जितने में तुम, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अपने एक दो वीडियो पहले भी बोल चुका हूँ कि जितने में तुम्हारी लीग होती हैं उतना हमारे एक दो खिलाड़ी को ही मिल जाते हैं। ये भी बंदा वही बोल रहा है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी टीवी पर बैठ के बोल रहा है कि तुम्हारे जितने लीग में जितना पैसा लगता है उतना तो IPL के एक दो खिलाड़ी को दे दिया जाता है। यही बात सिर्फ अगर मैं बोलूँ, सिर्फ मैं बोलूँ या कोई यूट्यूबर बोलता है तो बोल दो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम PSL को नीचा दिखाने की कोशिश कर। नहीं बेटा, जो हकीकत है वो हकीकत है, उसको मानना चाहिए। और तुम्हारे टीवी में जो बैठ के डिबेट करते हैं वो भी थोड़ा अबोध, कुछ ना कुछ तो अबोध भी आते हैं, जो जिनका काम है चारों तरफ से इंडिया को ब्लेम करना। तो पाकिस्तान इस पोजीशन पर है कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ICC के जितने इवेंट्स हैं, बिल्कुल, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने आपस में बांट लिए। इस सूत्री का कहना है कि ICC के जितने भी इवेंट्स हैं उसको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने बांट लिए हैं। अबे हिस्सेदारी इन लोगों की है, इन तीनों की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, ये लोग सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, तो ये लोग नहीं बांट लेंगे क्या, तुमको दे देंगे? तुमको इवेंट दे भी दे तो तुम करोगे क्या, करवाओगे कहाँ? तुम्हारे यहाँ अगर कोई लीग होने वाली भी हो या कोई इवेंट दे दिया जाए, एशिया कप दे दिया जाए तुम्हें होस्ट करने का, तो कहाँ कराओगे? पाकिस्तान में कोई नहीं जाने वाला, कोई टीम नहीं जाएगी, तुमको कराना है बांग्लादेश में जाके कराओगे या फिर श्रीलंका में कराओगे? तो इससे अच्छा है इवेंट इंडिया के पास रहे, इंडिया करे, तुम लोग सुरक्षित रहोगे और सभी देश सुरक्षित रहेंगे, आराम से खेलते रहेंगे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन लोगों के बारे में ज़्यादा बात करना शायद उचित नहीं होगा,
ये लोग भी जानते हैं कि ये क्या हैं, हम लोग तो जानते हैं ये हम क्या हैं, और हमारे अंदर यहाँ अंदर नहीं, हमारे देश के अंदर कुछ कचड़े ज़रूर भरे पड़े हैं जो अपनी बुराई स्वयं करते हैं। तो चलो उन लोग कचड़ों को नाली में गटर में डालते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।